ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को उस चीज़ों में थोड़ी जानकारी मिले और अच्छा लगे, ठीक है ना। चलो, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है क्लास, पहले क्वेश्चन में आपके पास ये चार चीज़ें हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें मतलब फ्रैक्शन है, इनमें से बोल रहा है कि कौन सी सबसे छोटी है। तो 23/88 और एक कितना है 85/96 और एक कितना है 212/841 और एक है आपके पास 13/45। तो क्लास सबसे पहले देखो, छोटे बड़े मतलब देखो, मैं अगर ये जल्दी करना हो तो मैं आंसर निकाल दूंगा, मैं आपको सिखाता हूँ और क्वेश्चन भी। तो देखो सबसे पहले क्लास क्या है, अगर मुझे सिर्फ हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका होता, लेकिन इस सबसे बेसिक तरीका जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो क्या है क्लास, याद रखना कि इसकी गुणा इससे करनी है, इसकी गुणा इससे करनी है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। जैसे मैं गुणा करके लिख देता हूँ, ये आ गया 2, ये आ गया 2208 और वो आ गया 7480। इसी तरीके से आ गया 9540, ये आ गया 10933। अब वो बोल रहा था छोटी छोटी बोल रहा था, तो इन दोनों में से छोटी ये और इन दोनों में से छोटी कौन सी हो जाएगी, देखो ये। तो अब इन दोनों को उठाना है, मतलब किन को उठाना है, 23/88 और वहां पे 212/841। अब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इनकी गुणा करोगे तो क्लास आपका आएगा 19,443। और वहां पे आएगा क्लास कितना, ये आ जाएगा 18,656। तो कौन छोटा है, 18,656। तो आंसर कितना हो गया, 212/841। अगर वो सबसे बड़ी पूछ रहा होता तो हम क्या करते, बड़ी को लेके चलते, ठीक है ना। ये तरीका यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होगा, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा कह रहा है गोले का क्षेत्रफल 616 था, गोले का क्षेत्रफल, सॉरी गोले का क्षेत्रफल, एक मिनट एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट अगेन, एक मिनट। ओके ना, गोले का क्षेत्रफल 616 है, 75% कम हो जा रहा है, तो यानी कि 616 का 25% ही बचा है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 154, यानी कि 154 एरिया बचा है। और गोले का एरिया क्या होता है, 4π, 5 मतलब 22/7 r2। अब इसे सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। तो यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट सी को ये सब चीजें। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक छोटी सी छोटी संख्या जो इन सब के, देखो सब ना, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है चार अंकों की छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए जो इन सब के एलसीएम से भाग हो जाए, मतलब इन सब के एलसीएम से। तो सबसे पहले 8, 10, 12 और ये क्या है 18 और 24, इन सबका एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आया 360। तो देखो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, सॉरी 1000, और सबसे बड़ी होती है 9999। तो अब ये 360 आपका आ गया इनका एलसीएम, लेकिन हमें नंबर चाहिए इनके बीच में। तो देखो 360 दूनी 720 और 360 किया 1080, 1080 चार अंकों की संख्या होती है और उसने कहा था सबसे छोटी, तो ये वाली फिट हो जाएगी। तो अब वो कह रहा है इनकी अंकों को जोड़ो, तो अंकों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है क्लास। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से और बहुत आसान निकला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या कह रहा है कि आपके पास ऑयल है और वाटर है, ठीक है। ऑयल आपका है 60, वाटर आपका 40, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2, टोटल मान लिया x। तो ऑयल कितना हो जाएगा, देखो ऑयल हो जाएगा 3x/5 और वाटर हो जाएगा कितना, 2x/5। अब उसने कहा इस सॉल्यूशन में इन्होंने 30 लीटर पानी डाल दिया। अब ऑयल और वाटर बराबर हो गया, मतलब 1:1, तो ऑयल कितना होगा प्लस, ऑयल हो जाएगा आपका x+30/2 और वाटर हो जाएगा x+30/2। देखो सारे क्वेश्चन बेसिक तरीके से कह रहे, देखो
अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिप पे कराया जाएगा तो आपको क्या सिखाया जाएगा पता है? कहा जाएगा कि जब पानी मिलाएंगे तेल को बराबर करता हूँ, तेल मिलाएंगे तो पानी को बराबर करेगा। और यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है क्लास, कि जब पानी मिलाएंगे तो तेल वही रहेगा, तेल मिलाएंगे तो पानी वही रहेगा। तो इस बार ये क्या मिला रहे? पानी मिला रहे, तेल वही रहेगा। तो यहाँ जितना ऑयल था और यहाँ जितना ऑयल था, ये दोनों सेम। यहाँ कितना ऑयल था? 3.85, 3.85। और वहां कितना ऑयल था? एक्स प्लस 30/2। इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है क्लास, सॉरी नोट, हाँ 150। ठीक है ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो कह रहा है कि देखो, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। याद रखना एक्स हमेशा किसकी होती है, तो बोट की स्पीड होती है या फिर स्विमर की स्पीड होती है, और वाई किसकी होती है? रिवर की। ठीक है ना। अब देखो उसने कहा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो देखो यानी कि एक्स दे रखा है 15 और वाई दे रखा है 3, और वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, यानी कि 15 जमा 3 दैट इज 18, 18 हो गया। अब स्पीड आपको मिल गई है और टाइम की वजह से 12 मिनट, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड टू टाइम, स्पीड है 18 गुणा 12/60, क्यों आवर में कर दिया। तो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.6। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है क्लास। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उल्टे से सॉल्व करो, पहले इसे सॉल्व करो। ये आ जाएगा कितना, 6% की जगह 100 और किसका 5000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300। बहुत आसान हो गया ना क्लास। अब आपके पास आ गया ये नया क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, अब आ गया नया क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपको कि ओके, पहले कोई आर्टिकल मतलब जो क्या थी, ओके उत्पादन एक्स था, तो अब उत्पादन कितना हो गया, 80x/100, क्योंकि 20% कम हो गया। मान लो यहाँ कितने घंटे काम करते थे वाई, और यहाँ कितने घंटे काम करते हम नहीं पता। इन दोनों को गुणा करने से, इन दोनों को गुणा करते सेम आना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है। तो एक्स इंटू वाई किसके बराबर होना चाहिए, 80x/100 इंटू हमें नहीं पता कितना, तो यहाँ से वो जो कितना वो आ जाएगा 1.25 ऑफ वाई, यानी कि देखा जाए तो 0.25 ज्यादा है। 0.25 किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। तो आता है अगला क्वेश्चन क्लास। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आपको बताना है कि पी क्यू आर टोटल पूछ रहा है, इसका 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 सब खत्म करोगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है क्लास क्या है, वो कह रहा है कि ए में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात एच में पढ़ने वाले बराबर हो। अब वो कह रहा है कि संस्थान ए में पढ़ने वाले छात्रों की अग्रणी, यानी कि ए वाले को ऊपर रखना और एच वाले को नीचे, ए वाली पूरी लाइन और एच वाली पूरी लाइन, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ए वाली पूरी लाइन को जोड़ोगे तो आएगा 2080, एच वाली पूरी लाइन को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2360। इसको रेशियो करोगे तो आपका आ जाएगा 52/59। ठीक है ना क्लास। अगला क्वेश्चन उसने कहा कि अच्छा देखो ये अच्छा क्वेश्चन, एक सर्कल है उसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, शेप थोड़ी मेरी रेगुलर से कोई जैसे नहीं है, ये हो जाएगा रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और ये ट्वाइस ऑफ रेडियस किसके बराबर है, कि ये वर्ग की भुजा ए, ये वर्ग की भुजा ए, तो ये डायगोनल कितना होता है वर्ग का, √2 है। तो यहाँ से ए आ जाएगा R/√2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि R² / 4। और आर इसने कितना दे रखा है, हमें आर दे रखा है 6, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आर दे रखा है 6 2 R, ओके ना, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी, ये आ जाएगा √2 R, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि √2 R आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, तो आ जाएगा 2 R² ठीक है, 36 × 72। ठीक ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए बी सी देखो बी में क्यों पढ़ने वाले, बी में एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट पेन, ओके बी में क्यों, बी में क्यों ये रहा 540, तो 540 और
की कुल, बी में 540 और सी की कुल, ठीक है ना, तो इसको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2500। इसका प्रतिशत पूछा है, सॉल्व करोगे तो क्या कितना आएगा, 20%। इसके बाद वो कह रहा है कि हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इसमें कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, इसमें जो आधी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की वो कितनी स्पीड से तय कर दी है, वो तय कर दिए 40 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस है 100, उसने टाइम ले लिया 2.5 घंटे, ठीक है ना। अब बची है 100 किलोमीटर, वो टोटल टाइम कह रहा है 4.5 घंटे, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 2 घंटे, तो यहाँ स्पीड कितनी होगी, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आ जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पहले कह रहा है कि x-3 किसका गुणनखंड होगा, तो देखो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसको पहले जीरो को इक्वल करते हैं और यहाँ से जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को हर इक्वेशन में रखते हैं और जो इक्वेशन जीरो हो जाएगी वो आंसर होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 0। तो याद रखना है इसका टॉपिक क्या था, रिमाइंडर थ्योरम। मेरे चैनल में जाके आप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से सीख सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब उसने कहा कि वी की तुलना में, देखो हाँ ये क्वेश्चन क्लास टाइम एंड वर्क का है, इससे रिलेटेड ऐसे 5 टाइप है, ठीक है ना। कल यानी कि 31 अगस्त को मेरे चैनल पर मैं इसके 5ों क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा ताकि एक बंच हो जाए और आपके पास सारी चीजें एक साथ हो जाए। इसके बाद उसने कहा पी और क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 25 और पी प्लस क्यू बाई टू कितना है, 12.5, तो यानी कि 25। अब देखो सोच के भी कर सकते हो, ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर का माइनस 25 और जोड़ के वो तो 13 और 12, ठीक है ना, तो पी 13 और क्यू 12, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब आपको कह रहा है 13 और 12 ये कब बनेंगे 15 और 14, तो दिमाग लगाओ, दो दो साल जोड़ने पर क्या हो गया क्लास,